भारत की हांगकांग ओपन सीरीज का खिताब जीतने की उम्मीदें टूट गई है। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु और राष्ट्रीय चैंपियन समीर वर्मा फाइनल मुकाबले में हार गए हैं। हांगकांग ओपन सीरीज के महिला एकल वर्ग में सिंधु को चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से हार कर उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 41 मिनट तक चले खेल में जू यिंग ने सिंधु को 15-21, 17-21 से हराया, तो वहीं पुरुष एकल फाइनल में समीर वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा। सेमीफाइनल के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के जॉन जॉर्गेनसन को हराने वाले समीर को हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंगस ने 21-14, 10-21, 21-11 से शिकस्त दी। बहरहाल फाइनल में हारने के बावजूद सिंधु अपने प्रदर्शन से खुश दिखी, तो वहीं समीर का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उनकी निगाहें BWF रैंकिंग के शीर्ष 10 में हैं। भले ही सिंधु और समीर को रजत पदक से संतोष करना पड़ा हो, लेकिन यह पहला मौका है जब भारत ने किसी ओपन सीरीज में दो पदक जीते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।